नमस्कार, मैं हूँ पूजा वशिष्ठ। आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आलिया इन दिनों रणवीर सिंह के साथ अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में बिजी थी। अब आलिया भट्ट को रणवीर सिंह और करण जौहर के साथ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग करते हुए कई बार स्पॉट किया गया। लेकिन अब आपको बता दें कि इन दोनों की आने वाली फिल्म रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग अब पूरी हो चुकी है। इस बात की जानकारी खुद आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से दी। आलिया भट्ट ने एक स्टोरी शेयर की जिसमें वो डांस करती हुई नजर आई और साथ ही साथ केक खाती भी नजर आई। आलिया भट्ट ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि गोइंग टू मिस द टीम सो 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 मच। टॉकी रैप ऑन रॉकी एंड रानी, बट वी हैव वन फैब सॉन्ग टू गो। लव यू ऑल टू अंटिल नेक्स्ट ईयर। जी हाँ, रॉकी और रानी की शूटिंग खत्म हो चुकी है। आलिया भट्ट ने प्यारा सा वीडियो शेयर किया जिसमें वो रणबीर कपूर के एक गाने चन्ना मेरेया पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में वो करण जौहर और रणवीर सिंह के साथ बातचीत करती भी सुनाई देती हैं। साथ ही साथ रणवीर सिंह उनकी इस परफॉर्मेंस को देखकर, उनकी इस अदा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश नजर आए। आपको बता दें, प्रेगनेंसी में आलिया भट्ट का इस तरह खुश होना सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया। आलिया भट्ट का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तभी से उनके फैंस के रिएक्शन आने शुरू हो गए। उनके फैंस ने इस पर कमेंट किया है। आलिया भट्ट के एक फैन ने कमेंट किया, धतिंग नाच चालू। वहीं आलिया भट्ट के एक और फैन ने कमेंट किया, शी लुक लाइक 16-17 ईयर ओल्ड गर्ल। वहीं आलिया भट्ट के एक और फैन ने कमेंट किया, आलिया इज लुकिंग वेरी गॉर्जियस एंड क्यूट एंड हर ग्रूविंग विद चन्ना मेरेया। जी हाँ, रणबीर कपूर के गाने चन्ना मेरेया पर आलिया भट्ट का ये डांस उनके फैंस को बेहद पसंद आया है। वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, पागलों की कमी नहीं है हमारे देश में। जी हाँ, कई लोग आलिया भट्ट के इस अंदाज को पसंद कर रहे हैं, तो कई लोगों ने उनके लिए नेगेटिव कमेंट भी किया है। बहरहाल, आपको कैसा लगा आलिया भट्ट का ये डांस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब जरूर करें।